वेतन नहीं मिलने पर एक बार फिर भीकनगांव नगर परिषद सफाई कर्मियों ने विरोध जताते हुए धरने पर बैठे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि पिछले 2 माह से हमें वेतन नहीं मिला है, जिससे हमारे घर परिवार की रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नगर परिषद द्वारा कार्य करने के लिए सफाई का सामान दिया जाता है। कई बार शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। वही पहले भी महिला सफाई कर्मियों ने भीकनगांव SDM को राजस्व विभाग के मयंक जैन के खिलाफ शिकायती ज्ञापन दिया था। वहीं सफाई कर्मियों के विरोध के बाद कार्य बंद होने से भीकनगांव शहर के 15 वार्डों में वे मुख्य मार्गों पर गंदगी अपने पैर पसारते नजर आ रही है। भीकनगांव तहसीलदार डॉक्टर निधि वर्मा ने बताया कि जल्द ही हम सफाई के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। भीकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर परिषद के सारे सफाई कर्मचारी उस पर चले गए हैं हड़ताल पे। बताया जा रहा है कि उनकी 2 महीने का वेतन और कुछ प्रमुख मांगे हैं, तो क्या आपने शासन तक उनको पूछा ही है? जी, नगर परिषद के भीकनगांव नगर परिषद के जितने सफाई कर्मचारी थे उनका 2 महीने का वेतन तो लंबित नहीं है, केवल चालू माह का दिसंबर पैड इन जनवरी जो होता है वो लंबित है। और वो भी इसलिए लंबित है क्योंकि शासन से हमें जो मासिक चुंगी प्राप्त होती है वो अभी तक अप्राप्त है। इसके संबंध में हमने शासन को पहले 3 बार पत्राचार कर चुके हैं और सफाई कर्मियों द्वारा हमें जो दिया गया था उसके विषय में भी उनको भी अवगत करा दिया गया था कि जैसे ही चुंगी प्राप्त होगी हम उन्हें उनका वेतन दे देंगे। मैडम, जैसे अभी अधिसात सफाई कर्मचारी अधिचिन हड़ताल पर हैं, तो फिर आगे प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी, नगर में साफ सफाई व्यवस्था जो चरमराई है? हाँ, उसके लिए हम अभी सफाई कर्मचारियों को हमने बात की है, हम उन्हें और समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यदि वो नहीं समझते हैं तो उसके बाद सफाई के लिए हम कोई और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और नगर में किसी भी प्रकार की सफाई में किसी कोई कमी नहीं रहने देंगे। माननीय पत्रकार महोदय, आपसे निवेदन है कि हमारी मांग हमारी मांग शासन तक पहुँचाएँ और मेरा निवेदन है आपसे कि जैसे हमारा 2 माह का वेतन रुका हुआ है अक्टूबर और नवंबर का, वो आधा माह के दिया है वो देने की कृपा करें और हमारी जो सैलरी में से हमारा शेष जो कटता है PF वो भी कटने का निवेदन करता हूँ कि आप आगे रखें और दिलवाएँ। और जैसे हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे हमारी मान लो झाड़ू औजार जो नहीं मिलता समय समय पर उसका भुगतान करें और हमारा वेतन भी जो समय से मिलना चाहिए उसका भी भुगतान किया जाए, जो समय से नहीं मिलता है उसका भुगतान किया जाए और हमारा जो शासन द्वारा जो विनियमित कर्मचारी के हुए थे उसमें हमारा एरियल का भुगतान बकाया है, जिसमें 2-4 किस्तें उन्होंने दे दी गई हैं, बाकी किस्तें जो रेल हैं वो किस्तें भी दिए जाए। और ऐसी बहुत सी मांगे जो तो अभी जैसे ठंडी के मौसम है उसके अंदर हमको किट नहीं मिल पा रहा है ठंडी का, वो किट भी दिया जाए। तो ऐसा मेरा मानना है कि आप शासन प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ और हमें जो भी शासन का लाभ शासन ने नियुक्त किया है उसे हमको दिया जाए, यही विनय है, यही विनती है। शांतिलाल जी गोहर, भीकनगांव, सफाई कर्मचारी, पहले अध्यक्ष था मैं और वर्तमान में मतलब माननीय प्रदेश में अध्यक्ष है, उनके द्वारा नियुक्त किया गया था तो करा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि और भी आगे जो जितने भी मेरे लेवल के जो लोग हैं, ऊपर वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग करें और हमको आगे बढ़ाएं और हमारे को जो भी शासन से लाभ मिलता है वो दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।